नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सीमा क्रिएटिविटी में। कैसे हो आप सब? तो इसको छील लेते हैं। तो इसको छीलने के लिए हमने छिलना लिया है। तो इसको इस प्रकार से छीलने की सहायता से हम छील लेंगे पूरा। अब हम इनको पूरी छील लिए हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब हम इनको काट लेते हैं। तो इस तरह से हम दो टुकड़े में काटेंगे। पहले दो टुकड़ों में काटेंगे, इसका बीज निकालेंगे। इस तरह से चाकू से हम बीज निकाल देंगे। और इसके बाद हमें इसके बीज से भी एक टुकड़ा कर देंगे इस तरह से, क्योंकि ज़्यादा बड़े हम टुकड़े नहीं रखेंगे इस तरह से। और इसी तरह से हम सारी अपनी कट कर लेंगे। इस तरह से हमने सारी कट कर लिया है। अब इनको धुल लेंगे। इनको हमने अच्छे से धुल लिया है। अब हमने कुछ मसाले लिए हैं। मसालों में हमने लिया 2 तेज पत्ता, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 2 लाल मिर्च और 4 से 5 के लिए लहसुन। तो तेल हमने गरम होने के लिए रख दिया था। तेल अभी हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। तो अब हम डालेंगे तेज पत्ता। तो 2 तेज पत्ता हम डाल देते हैं और जीरा, सौंफ और लहसुन, ये तीनों चीज़ें हम डाल देंगे और इनको गोल्डन ब्राउन होने देंगे। और अपने लाल मिर्च इस तरह से तोड़ लिया है 2-2 भागों में और इनको भी डाल देते हैं। चला देंगे और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिए हैं। आप देख पा रहे होंगे ये सारी चीज़ें हमारी पक चुकी हैं। अब हम अपनी आम डाल देते हैं और आम को भी हमें फ्राई करना है। चला देंगे। तो आम को 2-3 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे इस तरह से चलाते हुए। फ्रेंड्स, हम आम की लौंजी बना रहे हैं। अगर आप लोगों को 2-3 मिनट फ्राई करते हो गए, आप थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा धनिया पाउडर 1/2 चम्मच से भी कम ऐड करेंगे इसमें। ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होगी। थोड़े से 1/2 चम्मच से भी कम हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच से भी कम ही लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। बस इतने ही मसाले डालेंगे इसमें और पानी ऐड कर देंगे यहाँ पे। और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार। और इसको ढक देंगे। ढक के 5 से 7 मिनट पकने देंगे। हल्का को हमारा पकते 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसे देख लेते हैं। तो ये हमारा पक चुका है। अब हम इसमें गुड़ डाल देते हैं। तो हमने ये गुड़ लिया है, इसको इस तरह से कट कर मतलब फोड़ लिया है और इसको डाल देते हैं। इसको गुड़ को गुलने तक हम पका लेंगे। 3 से 4 मिनट में हमारा गुड़ गुल जाएगा। तब तक हम इसको पका लेते हैं स्लो आंच पे। गुड़ हमारा अच्छे से घुल चुका है और गलका हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। हमारा गलका बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, इस गर्मी के मौसम में आप लोग भी ट्राई करना बनाकर। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।